नमस्कार, मैं आपके होस्ट ओल्डी गोल्डी फ्रॉम सिंपल कुकिंग। आज मैं आपको टमाटर की बनारसी चाट बताने वाली हूँ। तो अभी दिवाली का बहुत हम तला हुआ या उबला हुआ या कुछ नई नई रेसिपी हर जगह जाके खाते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि कब घर का खाना खाएंगे। और इसके बीच में अब ठंडी शुरू हो गई तो बच्चों को चटपटा खाने को मन करता है। अब इसके लिए आपको कोई भी उसल या कोई भी निमोना बनाने की जरूरत नहीं है। बिना निमोने ये टमाटर की चाट बहुत स्वादिष्ट बनती है। चलिए हम किचन में जाकर पूरा सामान देखते हैं। आइए, पहले ही मैंने पैन में घी डालकर उसके नीचे मैंने गैस लगा दिया है। और ये चाट बनाने के लिए हमें तड़का देने के लिए जीरा मैंने लिया है। ये देखिए, जीरा, हींग, हल्दी। चाट में डालने के लिए काला नमक, सादा लाल मिर्ची पाउडर, ये थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर, ये धनिया, ये लहसुन। ये चाट पर डालने के लिए इमली की चटनी, प्याज और हरी मिर्च, और ये थोड़ा सा अदरक। अब हम टमाटर की चाट बना रहे हैं। टमाटर की चाट बनाने के लिए मैंने पहले ये टमाटर बारीक काट लिए हैं। चाट में थोड़ा सा पनीर के टुकड़े डाले जाते हैं और साथ साथ इसमें आलू भी डाले जाते हैं। तो अब हमारा ये घी गरम हो गया है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा अच्छे से हमारा तड़क रहा है। जीरे के साथ साथ हम थोड़ा सा लहसुन भी इसमें डाल देते हैं। लहसुन ज़्यादा नहीं डालना, पर लहसुन की टेस्ट बहुत अच्छी आती है। अब इसमें मैं थोड़ा सा हींग डालूंगी, थोड़ी सी हल्दी, और ये अदरक भी, पिसा हुआ अदरक भी मैं इसमें डाल दूंगी। अब मैं ये पूरे टमाटर के टुकड़े इसमें डाल देती हूँ। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाट खाने में बहुत बढ़िया लगती है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, क्योंकि हमें टमाटर अच्छे से गलाना है। तो सबसे पहले मेरा ये चम्मच छोटा है, मेरा मटेरियल भी कम है, मैं थोड़ा सा काला नमक इसमें डालती हूँ। इसके बगैर ये चाट अच्छी नहीं लगेगी। और आलू और पनीर डाल रहे हैं, उसके हिसाब से मैंने ये सादा नमक भी डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। टमाटर डालने के कारण, नमक डालने के कारण हमारे टमाटर अभी अच्छे से इसमें अच्छे से गल जाएंगे, 2 ही मिनट में गल जाएंगे। इसके लिए गर्म पानी डालना पड़ता है। मैंने दूसरे गैस पर गर्म पानी रख दिया है। अब हमारी चाट मिलकर आना चाहिए, इसलिए मैं ये धनिया पाउडर इसमें डाल रही हूँ और भुने हुए जीरे का पाउडर भी मैंने इसमें डाल दिया है। साथ साथ मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। इसमें चाट मसाला भी मैं डालने वाली हूँ। तो ये मेरा चाट मसाला घर का बना है। चाट मसाला की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ। ये मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से होने देंगे थोड़ी देर के लिए। टमाटर तो वैसे नरम हो गया है, लेकिन ये चाट एकदम लाल दिखना चाहिए इसमें, इसलिए मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची यूज़ करने वाली हूँ। अब ये कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ। बहुत जल्दी ये चाट बन जाती है, कोई टाइम नहीं लगता। घर में टमाटर, प्याज और चटनियाँ ये सब मौजूद ही रहता है, हरा धनिया भी रहता है। और अभी तो ठंडी शुरू हो रही है तो ये तो बहुत ही अच्छा, पूरा मार्केट भरा हुआ रहता है और हमारा फ्रिज भी भरा हुआ रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम गर्म पानी डालकर इसको एक अच्छा खासा उबाल लेंगे। और इसमें मैं 2 चुटकी सिर्फ ये रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। जैसे ही इसको उबाल आएगा हम इसमें थोड़े से आलू डालने वाले हैं। ये आलू मैंने उबले हुए हैं और मैं थोड़ा से इसमें टुकड़े आलू के डाल रही हूँ।
अब इन आलू को टुकड़ों को हम इसमें इस तरीके से दबाते जाएंगे, ये तो उबले हुए है ही ऑलरेडी, वैसे वो हो जाते हैं। जैसे जैसे ये आलू के टुकड़े बारीक बारीक हो जाएंगे, ये चाट में अच्छे से मिलकर हमारी चाट गाढ़ी बन जाएगी। बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी 10 मिनट में ये चाट बन जाती है। और फिर अगर आपको इसके साथ कुछ खाना है तो बासी रोटी को घी लगाकर तवे पे गरम करके इसके साथ खा सकते हो। इसके साथ आप ब्रेड रख सकते हो, पाव ब्रेड को घी लगाकर भूनकर उसे भी आप खा सकते हो। कुछ भी नहीं खाना है तो ये पूरी मिलती है मार्केट में, सूखी पूरी, वो सूखी पूरी के साथ भी आप ये चाट बहुत अच्छे तरीके से खा सकते हो। इसके लिए कोई ऐसा ये नहीं, मैंने आज इसके साथ ब्रेड भून कर रखा है, तो जब मैं प्लेटिंग करूंगी मैं आपको वो ब्रेड भी दिखाऊंगी। ये देखिए, हमारा ये अभी टमाटो चाट अच्छे से गाढ़ा हो गया है। वहां पर वो मिट्टी के बोल में ये चाट सर्व की जाती है। अब मैं इसमें थोड़ा पनीर डाल रही हूँ। बढ़िया, चाट की खुशबू एकदम फैल रही है सब जगह। इसमें शक्कर का पानी बनाकर डाला जाता है, शक्कर सोंठ पाउडर का थोड़ा पानी बनाकर डाला जाता है, पर मैंने अभी नहीं बनाया है क्योंकि मेरे पास इमली गुड़ की मीठी चटनी है, वो चटनी ही मैं इसके ऊपर डालने वाली हूँ। और जैसे जैसे ये ठंडा हो जाएगा ये अपने आप मस्त गाढ़ा हो जाएगा। खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है, मैं आपको बता रही हूँ, आप एक बार इसे करके जरूर जरूर देखिएगा। ये देखिए, ये अपने आप गाढ़ी हो गई। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और प्लेटिंग के लिए मैं ट्रे लेके आती हूँ और आपको बताती हूँ। अब हमारी टमाटर चाट बन गई है, आप देख सकते हो, और उसके साथ मैंने ब्रेड भी रखा है। अब हम सिर्फ इस चाट को थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, गार्निश करेंगे, ताकि हमें चाट खाने का हमारा मन बहुत अच्छे से बन जाए। तो देखिए, अब सबसे पहले मैं इसके ऊपर इमली की चटनी डालने वाली हूँ, क्योंकि मीठा मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है और ये खट्टा मीठा इसमें डाला जाता है। चाट एकदम तीखी और एकदम करारी ऐसे हो गई है। ये देखिए, अब थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा सफेद प्याज, और ये हरी मिर्ची के टुकड़े दो चार, कि ताकि दांत के नीचे आ जाए, खाते खाते तो बड़ा मजा आता है। और इसके ऊपर अभी सबसे पहले मैं थोड़ी सेव डालूंगी। और इसके ऊपर मैं अभी ये अनार के दाने डालूंगी। और ये देखिए, मेरी मस्त बनारसी चाट, टमाटर की बनारसी चाट तैयार हो गई है। अब देख सकते हो बहुत ही एकदम टेस्टी बन गई है। तो कैसा लगा ये मुझे जरूर जरूर बताना। मैं हमेशा बोलती हूँ, बनाइए, खाइए, खिलाइए, आपकी उल्टी गुल्टी को अच्छी अच्छी कमेंट्स जरूर जरूर आप भेजिएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर जरूर कीजिएगा। अभी मैं आपको बोलती हूँ, दिवाली का बहुत सारा तला हुआ खाकर ऐसा मन भर जाता है कि दाल चावल खाने को मन करता है, लेकिन अभी ठंडी है तो चटाकेदार खाने का भी बहुत मन करता है, और इतना सारा हम बनाते बहुत थक जाते हैं। तो तभी आप ये टमाटर की चाट 5 मिनट में बनाकर ब्रेड के साथ, पूरी के साथ, पाव के साथ, बाहर से पूरियाँ मिलती है वो पानी पूरी की पूरी, उसके साथ
पापड़ी के साथ, किसी के भी साथ आप ये चाट दो तो पूरा पेट भर जाता है, क्योंकि इसमें हमने आलू डाला है, पनीर डाला है और बाकी सब मसाले घर में रहते। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बाहर से लानी पड़ती? अगर आपको ब्रेड पूरी नहीं लाना है तो आप बासी रोटी को भी घी लगा कर इसके साथ उसको कड़क करके इसके साथ खा सकते हो और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो अब मेरा फिर से आपको रिक्वेस्ट है, आपको अच्छा लगा तो ज़रूर ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और ज़रूर बनाकर खाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी ये रेसिपी देखी।